सिंगल पीस या प्लेट? सिंगल पीस। लेकिन पांच पर्सन भी नहीं आए तो परेशानी होगी। लंडन मंगाना पड़ेगा तू खाने के लिए, ये खाने के लिए। तो ऐसी भीड़ इनके दुकान पे 8-9 घंटे प्रॉपर ऐसी भीड़ मेंटेन रहती है। बेशक इन्होंने लगा जो अपना दुकान रखा है साइकिल पे है, बट एक मैंने चीज़ देखी जब ये आ रहे थे तो इन्होंने अपनी ये अपनी वेदना कार से आए हैं पूरा सामान लेके और इन्होंने अपनी यहाँ पे साइकिल में लगाई है। हम चेंज करते भी नहीं भैया, करने को कर सकते हैं लेकिन हम साइकिल पे लगाते हैं, हमें वही बेनिफिट लगता है इससे। यार कल भी सामान नहीं लाया वो अपना, क्या करता है वो? लगा लेते ना फिर कर लेना। नंदू पानी लेके ये बेटा। हाँ ले दो, दे दो, गर्म हो रही है मटर। क्या है भाई? घी है भैया, ये लो। नंदू नंदू सबकी बन जाएगी भैया इसमें। बन तो जाएगी, मुझे जाना ले चलो मीटिंग में। मास्क लगा लो तो मेरे साथ बैठा नहीं, समस्या तो ये। नहीं 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 भैया, सबकी एक साथ ही बन जाएगी ना इसमें। खाली छोले मिल रहे हैं। हाँ जी खाली छोले हो गए। भाई आज भाई दुबत्ती जला दी। नंदू जल्दी से देखे बैग। दास ने पता ना। हाँ ले लिया भाई, तुम बस पैसे काट लो, तू बत्ती जला दो, बस काम कर दो। लो ये रखो पहले भाई, ये है मेरे पास सब कुछ है यहाँ पे, लाओ दे दो। पैसे देख लो, जाओ हाँ, बहुत ही दे दूंगा सबको, करने के बाद। हाँ
भैया पहले भगवान को चढ़ेगा उसके बाद मिलेगा आपको। हाँ ये वाले दूंगा आपको नमक डाल के। ये सिर्फ नमक डाल के दे दो यार, भगवान को चढ़ाएगा ना कचौड़ी वो। अच्छा, वो अभी आए हैं भैया, समझो। सिंगल पीस है प्लेट, सिंगल पीस कचौड़ी का। हाँ जी ठीक है। 30 के 16 में मीठी चटनी सब कुछ, प्याज धनिया सब कुछ पैक करना, खाना है हमें पैक करना पैक। खाली छोले चाहिए? हाँ समझ गया, 30 रुपए के ना ले लूँगा पैसे मैं अभी। सात आठ धोने दियो। दो सिंगल इसकी है। एक सिंगल इधर चेक करा था आपने, कुछ कहा था कि मैंने कर दिया है, इसमें अभी 80% गैस है और अब गैस लीक नहीं होगी, ये आपने मुझे खुद कहा था ना। ये बच्चे को ये मेरी बच्चे लोगों से प्यार नहीं है और मिक्सचर नहीं है, ठीक है। लीकेज का तो आपको आइडिया लगेगा कहाँ पे लीक, कि अगर लीकेज भी होती है, नीचे चटनी मत डालियो किसी में भी। नंदू खाने के दियो भैया, खाने के लिए खाने की पकड़ना किसी की है पहले खाने की। तो दोनों दो लो भाई, चेक कर देना, छोले थोड़े ज्यादा डाल देना। ये लो 40 क्या देना है? कचौड़ी होगा भाई। हाँ जी भैया बोलिए, क्या हुआ, जल गई? सिलेंडर मंगाना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, आपका ही हो जाएगा भाई। 4 पत्ते पैक कर देने वो लगे हुए। कितनी प्लेट हुई टोटल? 60 रुपए। भैया मटर कचौड़ी है, छोले कुलचे, कुलचा रोल है, चूरमा कचौड़ी है। भैया सबसे ज्यादा मटर कचौड़ी फेमस। ये भैया नाना की इन्वेंशन थी, नाना ने स्टार्ट किया था ऐसे कचौड़ी के ऊपर मटर लगा के। भैया ये तकरीबन 70 से 80 साल हो चुके हैं, ये 3री पीढ़ी है भैया। 30 रुपये प्लेट है, कुछ भी लो आप, 30 रुपये प्लेट, 2 पीस। ये सारा मटेरियल जितना भी है, खट्टी मीठी चटनी मटर वटर सारा घर का होता है, हमारे मसाले वसाले ये भी घर पे बनाते हैं भैया। एक बार में 70-80 प्लेट तो लग जाती है। और जो भी ये सेटअप है आपका, ये साइकिल पे, तो इसके बारे में कुछ बताएं। भैया ये साइकिल का जो था, ये नाना की साइकिल है जो पहले थी ना, 70 साल पुरानी साइकिल है, जो नाना ने स्टार्ट किया था आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले, ये वही साइकिल का सेटअप है जो हमने अभी तक वैसे बरकरार रख रखा है। नंदू इसी पे चल रहा है, हम चेंज करते भी नहीं भैया, कन्ने को कर सकते हैं लेकिन हम साइकिल पे लगाते हैं, हमें वही बेनिफिट लगता है इससे, जो पहचान बनी हुई साइकिल की और नीम के पेड़ की। नंदू बाबू पानी दियो भैया, हम सारे भाई हैं, 3-4 भाई हैं। हाँ एक गली में भी लगते हैं, वहाँ भी बड़े भाई हैं। नहीं यहाँ भी और वो गली में भी है, दोनों है, पुरानी लेकिन वो है सबसे पुरानी, वो है जिसमें नाना खड़े होते हैं। भैया मेरा नाम मनीष है, मेरे भाई का नाम विनीत है, मेरे दूसरे भाई का नाम आशी है। धन्यवाद। ओके भैया भाई छोले देना 3 के 3। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली अभी हमारे पास दिल्ली के सबसे फेमस फतेह चंद की कचौड़ी आ चुकी है। वैसे तो ये देखने में लग नहीं रहा है अभी कचौड़ी, बट मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये इनकी कचौड़ी है, ऊपर से इन्होंने मटर के साथ जो छोले होते हैं, जो इनके मटर हैं, और चटनी के साथ इन्होंने प्रॉपर इनको फिल किया हुआ है, भर दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले इसका एक टेस्ट लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको इसका टेस्ट कैसा था।
बहुत टेस्टी है। टेस्ट जो इसके छोलों का आ रहा है और प्लस जो इनकी चटनी है, जो मीठी चटनी है, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इससे पहले मैंने ऐसी कचौरी कभी नहीं खाई थी। और जो कचौरी है इनकी, ये प्रॉपर ये खस्ता कचौड़ी है, देख सकते हैं आप नीचे से प्रॉपर। और खस्ता कचौड़ी के ऊपर इन्होंने मटर डाला है और चटनी है, और उसके ऊपर से इन्होंने मीठी चटनी और धनिया ये सब करके अपना डाला हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, टेस्ट में नो डाउट। जो इनका एक वो इन्होंने बोला मुझे कि ये 70 साल से इनकी दुकान चल रही है, और आप भी एक बार भीड़ देख लीजिए। तो ऐसी भीड़ इनके दुकान पे मतलब कि 8-9 घंटे ये दुकान खोलते हैं, 8-9 घंटे प्रॉपर ऐसी भीड़ मेंटेन रहती है। तो इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है इस एरिया में कि लोग मतलब 10-10 मिनट आधे घंटे होके खड़े होके कचौड़ी ट्राई करना चाहते हैं। और ये 2 कचौड़ी है जो हमें 15 रुपये में मिली। बेशक इन्होंने लगा जो अपना दुकान रखा है साइकिल पे है, बट एक मैंने चीज़ देखी, जब ये आ रहे थे तो इन्होंने अपनी वरना कार से आए हैं पूरा सामान लेके, और इन्होंने अपनी यहाँ पर साइकिल में लगाई है। भैया टाइमिंग है सुबह 10:30 से 5 बजे तक। एड्रेस है भैया सिविल लाइन के अंदर सेंट जेवियर स्कूल है, गेट नंबर 4 उसके बाहर।